चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा आबकारी विभाग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि देश में सिर्फ राजस्थान सरकार ऐसी है जो आमजन को गंभीर से गंभीर बीमारी में भी निशुल्क उपचार उपलब्ध करवाकर जीवन दान देने का काम कर रही है। मंत्री मीणा बुधवार को पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के जोजावर गांव में 50 बेडेड फील्ड हॉस्पिटल और जानुंदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के शिलान्यास समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पिछले 4 सालों में इतने काम किए हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोविड काल में राजस्थान सरकार के प्रबंधन की खुद प्रधानमंत्री ने सराहना की। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज स्थापित हो रहे हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में हर बीमारी का निःशुल्क उपचार हो रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी है। आगामी 10 फरवरी को आने वाला राजस्थान सरकार का बजट भी अभूतपूर्व होगा। इसमें पूरे प्रदेश के हर वर्ग को सौगातें मिलने की आस है। समारोह में मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने कहा कि मुख्यमंत्री से जो मांगा वो उन्होंने दिया है, इसीलिए क्षेत्र की जनता उनकी आभारी है। आने वाले बजट में भी क्षेत्र को कई सौगातें मिलेंगी, इसका पूरा भरोसा है। समारोह को समाजसेवी भगवान सिंह भाटी, लक्ष्मी नारायण तवर, पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सिंह, सरपंच प्रतिनिधि राकेश जैन आदि ने भी संबोधित किया। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद, उपखंड अधिकारी पंकज कुमार, पंचायत समिति सदस्य सुधा रावत, सरपंच पिंकी जैन, समाजसेवी भंवर सिंह कारवाड़, हरिशंकर मेवाड़ा, हनीफ खां सहित बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और आमजन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन पुष्पेंद्र सिंह ने किया। जोजावर में हुए समारोह में चिकित्सा मंत्री मीणा के करकमलों से जिला कलेक्टर पाली नमित मेहता के नवाचार स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय के तहत नेत्र ज्योति प्रकल्प में ब्लॉक क्षेत्र के दृष्टिदोष से पीड़ित 145 बच्चों को निशुल्क चश्मे वितरण किए गए। शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक सोहन भाटी ने जिला प्रशासन के नवाचार की संक्षिप्त जानकारी दी। समारोह के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर पाली का नेत्र ज्योति अभियान निसंदेह सराहनीय है। इससे दृष्टिदोष के चलते पढ़ाई से विमुख होते बच्चों को वापस जोड़ने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने इस अभियान को प्रदेश के लिए नजीर बताते हुए उसे पूरे प्रदेश में लागू करने की बात कही। चिकित्सा मंत्री मीणा और विधायक जोजावर ने सीएचसी जोजावर परिसर में 50 बेडेड फील्ड हॉस्पिटल तथा जानुंदा में पीएचसी भवन की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया, साथ ही भूमि पूजन कर भवन की आधारशिला रखी। जानुंदा में हुए समारोह में पीएचसी के लिए एम्बुलेंस की घोषणा करने वाले भामाशाह निम्बाराम मेघवाल का चिकित्सा मंत्री और विधायक ने साफा बंधवा कर और माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।